आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। $22,000 के लूट के संबंध में सर्वेश यादव नाम के व्यक्ति ने सहजनवा थाने में दर्ज करवाया मुकदमा। SP नॉर्थ ने कहा, नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद स्थिति होगी स्पष्ट, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। प्रदेश के सभी मदरसों में प्रार्थना के साथ राष्ट्रगान गाना हुआ अनिवार्य। प्रदेश सरकार के निर्देश पर मदरसा शिक्षा परिषद ने मदरसों के खुलने व बंद होने के समय में भी किया बदलाव। अब सुबह 9 बजे से 3 बजे तक चलेगी क्लासेस, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने दी जानकारी। नीति व नियत की स्पष्टता से बढ़ रहा है औद्योगिक विकास का ग्राफ। सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल के 6 माह में गीडा ने किया 88.5 एकड़ औद्योगिक भूमि का आवंटन। 2,500 करोड़ रुपए के निवेश का हुआ प्लेटफॉर्म तैयार। 5,200 लोगों को मिलेगा रोजगार। रेडीमेड गारमेंट के उद्योगों के लिए भी 40 भूखंड आवंटित। 35 एकड़ क्षेत्रफल वाले 64 औद्योगिक भूखंडों के लिए भी मांगे गए हैं आवेदन। BRD मेडिकल कॉलेज से लापता 2 नाबालिग बच्चों को गुलेरिया थाने की पुलिस ने किया सकुशल बरामद। पिता और सौतेली मां ने मिलकर दोनों बच्चों को किया था अपहरण, भेजे गए जेल। SP नॉर्थ ने दी जानकारी। जनपद में नवरात्र एवं दुर्गा पूजा के त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से है मुस्तैद। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, जिले में लगभग 3,400 दुर्गा प्रतिमाओं का हो रहा है स्थापना। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार की जा रही है पीस कमेटी की बैठकें। सभी पूजा पंडालों की सुरक्षा के लिए गोरखपुर पुलिस है कटिबद्ध। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन मतदाता बनने के लिए स्नातक व्यक्ति फार्म 18 भरकर तहसील ब्लॉक में कर सकते हैं जमा। फार्म को तहसील ब्लॉक SDM के ऑफिस से कर सकते हैं प्राप्त। SP ट्रैफिक के नेतृत्व में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। बिना हेलमेट के चल रहे वाहन चालकों का किया गया चालान। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, लोगों की जान की सुरक्षा और शहर को दुर्घटना मुक्त बनाना है ट्रैफिक पुलिस का मुख्य उद्देश्य। हत्या के प्रयास के आरोप में अभियुक्त आयान शेख उर्फ राहुल राजपूत को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त अवैध तलवार किया बरामद, भेजा जेल। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत सदर सांसद रवि किशन ने 175 छात्र व छात्राओं को टैबलेट का किया वितरण। कहा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में टैबलेट की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा अभियान के क्रम में भाजपा महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड टीकाकरण केंद्र के स्टॉल का MLC एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया शुभारंभ। कहा, PM मोदी के कारण पूरे देश की जनता को लगाए जा चुके हैं 200 करोड़ से अधिक कोविड की वैक्सीन। व्यापारी बंधुओं के साथ जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने विकास भवन के सभागार में की बैठक। व्यापारी बंधुओं के कार्यों में लापरवाही पर जताई नाराजगी। संबंधित विभाग के अधिकारी का 1 दिन का वेतन रोकने का दिया निर्देश। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के अच्छे कार्य पर उनको शाबाशी देनी तथा उनके मोटिवेशन के लिए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न। कहा, जिन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने अच्छा किया है कार्य उनका किया गया है उत्साहवर्धन। और गोरखनाथ मंदिर में शारदीय नवरात्र आराधना के चतुर्थ दिवस मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने की जगत जननी माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप में माँ कुष्मांडा देवी की पूजा आरती एवं क्षमा प्रार्थना के बाद वितरित किया गया प्रसाद।